आज इन शेरों ने एक शिकार पे घात लगाई है। और इससे पहले कि शिकार कुछ समझ पाता, इन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। पर जब ये शिकार के पास पहुंचते हैं, तब इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये शिकार तो इनकी औकात से कहीं ज्यादा बड़ा है। और शेरनी का बड़ा बेटा कोशिश करता है इस गैंडे के पास जाने की, और छोटा बेटा भी समझ जाता है कि ये शिकार हमारी औकात से ज्यादा बड़ा है, इसे मारना बहुत मुश्किल होगा। और ये शेर सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। पर अभी ये समझ नहीं पाए हैं कि ये शिकार जानलेवा भी साबित हो सकता है, और ये कोशिश फिर करते हैं। पर ये तो हम सब जानते ही हैं कि गैंडे कितने खतरनाक हो सकते हैं, और आखिरी में ये गैंडा ने इनकी औकात दिखा देता है। अब इन्हें कोई और शिकार ढूंढना होगा। वैसे तो इनकी माँ इनके साथ शिकार में अगुवाई करती है, पर आज वो इनके साथ नहीं है, तो ये अपने शिकार को पहचान नहीं पा रही है। अब ये एक दूसरे शिकार को घेरते हैं। ये है जंगली भैंसों का झुंड, और ये एक भैंसे को झुंड से अलग भी कर लेते हैं। पर इसे मारना बहुत मुश्किल है। इन भैंसों को मारने के लिए बहुत तजुर्बा और ताकत चाहिए। और ये एक और कोशिश करते हैं, पर ये शिकार भी इनसे काबू नहीं हो पा रहा है। और इस शिकार ने इतना शोर कर दिया है कि थोड़ी ही देर में भैंसों का झुंड मदद के लिए यहाँ पहुंच जाएगा। इनकी माँ शिकार में इतना टाइम नहीं लगाती थी, वो सीधा गर्दन पे हमला करती थी। पर ये समझ नहीं पा रहे हैं, और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, भैंसों के झुंड ने इनके ऊपर हमला कर दिया। और ये सबक इसे जिंदगी भर याद रहेगा कि अकेले किसी भैंसे का शिकार करना कितना मुश्किल, और ये भैंसे जानलेवा साबित हो सकते हैं। और जैसे ही ये यहां से हटे, तो इन्होंने पाया कि लकड़बग्घों ने चारों तरफ से इन्हें घेर रखा है। शेर से